भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरा सेविंग अकाउंट है। आपके जो भी अकाउंट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर देगा। तो ये मेरा सेविंग अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, और ये यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर में जैसे कि आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। मतलब एक्सिस बैंक का नेट बैंकिंग एक भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक बार में 110% आपके अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। हमारा जो अमाउंट है हमारे डेस्कटॉप यानी हमारे मोबाइल पे दिख जाएंगे, किस तरह से कोई एरर ही नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलता हूँ अपने मोबाइल मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे, जो भी कुछ मैंने लैपटॉप पे बताऊंगा वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन करना कि तरीका जो है अभी 2021 चल रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे अभी आप एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग जो होम पेज है वो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आने के लिए आप गूगल क्रोम सर्च करके भी आ सकते हैं। डायरेक्ट आपको एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग लिखना है, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट इसी होम पेज पे आप आ जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हो ये जो है इंटरनेट बैंकिंग का ये यहाँ पे पेज है, जहाँ पे अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाता है तो आपको जो है यहाँ पे लॉगिन होना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लॉगिन होने के लिए अगर लॉगिन आईडी से करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना होता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन टोटल बताया गया है कि डेबिट कार्ड, एम पिन और लॉगिन आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने इस वीडियो में अभी लॉगिन नहीं हो सकते क्योंकि अभी हमने एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग हमने रजिस्टर किया नहीं है। तो आपको नीचे पे यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे में यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम यूज़र, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूँ आपके पास डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। डेबिट कार्ड और आपका पास जो आपने एक्सिस बैंक में जो आपने मोबाइल रजिस्टर कराया है वो मोबाइल नंबर मतलब कि वो मोबाइल सिम के साथ यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ओटीपी आएगा। दूसरा बात, आपके पास अगर पासबुक है तो उसमें आपका कस्टमर आईडी रहेगा, उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। फाइनली अभी आपको रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल दो ऑप्शन आ रहा है। एक पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर आईडी आपके पास होना चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे कुछ चीजें दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज इंटर ओनली कस्टमर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर। मतलब आपको मैं बता दूं, या तो आप कस्टमर आईडी डालना है या तो आप ओनली अपना मोबाइल रजिस्टर नंबर डालना है। अब दोनों डालेंगे तो नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार मैंने इंटर करके आपको एकदम बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखा दिया, प्लीज इंटर ओनली कस्टमर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक ही डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया है, राइट। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। फाइनली अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे पेज ओपन होता है और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है अपना डेबिट कार्ड का नंबर, एटीएम पिन और एक्सपायरी डेट, ऑलमोस्ट आपके सारे कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे डालना है। पहला क्या है, पहला यहाँ पे है डेबिट कार्ड का नंबर, दूसरा है आपका एटीएम का पिन नंबर, तीसरा है उसका एक्सपायरी डेट, पे टर्म कंडीशन के जो भी है ये एक्सेप्ट करना है। तो फाइनली मैं अपना सब डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देता हूँ, मैंने अपने कार्ड की सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नीचे जो है आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। उसके बाद नीचे यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो पेज है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी आपको जो है एक पासवर्ड को सेट करना है। ये पासवर्ड क्रिएट करने से पहले ओटीपी यहाँ पे डालना है। अब ओटीपी डालने के लिए आपको यहाँ पे ऑन कॉल ओटीपी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे वेट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे ओटीपी सबसे पहले डालना होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया। भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, राइट साइड में शो कर रहा है, ये चीज आपको नहीं डालने हैं, राइट। सेम आपको री इंटर में कर देता हूं पासवर्ड को। उसके बाद आपकी आपको क्या करना है, यहां पे सबमिट पे क्लिक कर देना है,
इंटर ओटीपी कोड जो है मैंने डिमांड ऑन कॉल मैंने क्लिक किया था तो मैंने रिसीव कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फाइनली अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा पासवर्ड जो है हो चुका है, राइट। तो आपको जो डिमांड ऑन कॉल जो मैंने क्लिक किया था ओटीपी हमें मिला था वही ओटीपी डालना है। उसमें क्या है, आपको एक कॉल आएगा आपका उस रजिस्टर नंबर पे, उसके बाद उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कोड क्या है, वो कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो नंबर हो यहाँ पे वो पिन आपके यहाँ पे डालने होंगे, राइट। तो मैं फटाफट अपना कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। इस कैप्चा को आपको ध्यान से एक बार भर लेना, अगर आपको कैप्चा ये दिखता नहीं है ना तो आप यहाँ से जो है आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, कहाँ से यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है इसे रिफ्रेश कर सकते हैं तो आपको न्यू कैप्चा मिलेगा जो देख सकते हैं उसे। उसके बाद फाइनली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको वेट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे आपको कुछ चीज़ पूछी जा रही है, सेट एंसर, ये वो चीज़ है जो आप यहाँ पे सेट कर दोगे तो आने वाले फ्यूचर में कभी भी ये पूछ सकता है तो आपको वही डालने होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है इन व्हाट सिटी ऑन टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, आपने ये कह रहा है कि आप अपने हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं आपने जॉब नहीं किया तो भाई मैं कैसे डालूं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने हिसाब से, ओके। मैं यहाँ पे बड़ौदा डाल दिया ऐसे ही, फिर लिख रहा है इन विच ईयर और डिड यू ग्रेजुएट। अब आप सोच रहे हो कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं है तो भाई मैं यहाँ पे कैसे डालूं, मैंने ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट किया, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2012 मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। अब कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे यार मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी डालना है, ऐसे जस्ट एक फॉर्मेट है वो आपको डाल देना है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया मैंने तो कैसे डालना है। यहाँ पे मैंने ऐसे 2012 डाल दिया है, यहाँ पे आप अपने माँ को नाम तो मालूम ही होगा तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इनके टर्म एंड पॉलिसी है जो कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, ये सब ओके कर लीजिए। उसके बाद फाइनली आपको जो है यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, राइट। ये आपको पता नहीं लगाएगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किए हो क्या किए हो नहीं, जस्ट वो एक फॉर्मेट था जो मैंने वहाँ पे कर दिया है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक कोड आपको आएगा, वो कोड जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, उसी कोड को यहाँ पे डालने होंगे, राइट। तो वो कोड जो है यहाँ पे आप ध्यान से डालें और इसे आप कंफर्म कर दीजिए। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा अकाउंट जो है मैंने लॉग इन सक्सेसफुली हो चुका है, और अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरा सेविंग अकाउंट है। आपका जो भी अकाउंट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर देगा, तो ये मेरा सेविंग अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपको दोस्तों और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना लॉगिन जो हमारे आईडी है जो हमने वहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डाल करके लॉगिन हुआ है उसे एक बार आपको चेंज करना चाहिए, बिकॉज हम बार बार डेबिट कार्ड का नंबर इतना बड़ा याद रखेंगे नहीं। तो आपको फिर फाइनली करना क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, ओके। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर मेरा जो है वो बैंक का जो मेरा कस्टमर आईडी है वो ये नंबर है। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करें और यहाँ पे चेंज लॉगिन आईडी पे आप एक बार क्लिक कर दें। अब ये प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे और चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड से लॉगिन होना पड़ा था, दोबारा भी आप चाहे तो भी डेबिट कार्ड से हो सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप डेबिट कार्ड नहीं भी डालते हैं तो आप जो है इसी नंबर से आप जो इजी आप इंटर कर पाएंगे, मतलब आप लॉगिन कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे ही आप एक बार और फिर से देखो, बाजू में दूसरे मोबाइल को रखो और स्टेप बाय स्टेप आप करो। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे अगेन आकर के कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और तरह के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।